अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक कभी यूज़ नहीं की होगी। अगर आपने ये यूज़ नहीं की तो ऐसे समझ लें आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों, इस ऐप में जो है ना हज़ारों ऐप्स मौजूद हैं। उस ऐप को इंस्टॉल करने से आपको जो इसका बड़ा फ़ायदा वो ये है कि उसमें जो है ना हज़ारों की तादाद में ऐप्स मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आपने जाना है प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ आपने सर्च करना है। एक ऐप है, उस ऐप का नाम है ऑल सोशल नेटवर्क। उसे सर्च कर लेना है उस इस तरह का। उसका सेकंड नंबर पे जो है ये देखें, इसका आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरह का है। ये आपने कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे कर लेना है ओपन। मैंने इसे ओपन किया हुआ है, आपने इसे ओपन कर लेना है। तो ये देखें, ये सारी ऐप्स इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं, ये आप लोगों के सामने हैं। अगर आप देख लें, ये देखें बहुत सारी ऐप्स हैं। उस एक ऐप को इंस्टॉल करने से ये इसमें मौजूद ये जो ऐप्स हैं ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती हैं। इसका फ़ायदा है, इसके जो फ़ीचर हैं वो मैं अगर आपको बता दूं तो इसके कितने फ़ीचर हैं और क्या क्या फ़ीचर हैं और ये कितना जो है ना हमारे लिए बेनिफिट्स है। एक तो ये कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें मौजूद ये ऐप्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगी, मतलब इसकी MBs बच जाएंगी। ऐसे हम अलग-अलग अगर फेसबुक इंस्टॉल कर लें तो उसकी MB अलग-अलग ज़ाया होगी, और जो मैसेंजर को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसकी MB ज़्यादा लॉस होगी। तो इस तरह जो है ना आपका डेटा भी ज़ाया होता है और आपको जो है ना मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो इस तरह ये ऐप आप इंस्टॉल कर लें। इसमें ये देखें मौजूद इतनी सारी ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें आ जाती हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, स्काइप है। तो आप जो है ना यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ कोई ऐप ओपन करके दिखाऊं ताकि आप समझ लें ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है, इसमें आपको मैं ऐप ओपन करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं फेसबुक को ओपन करना चाहूँ तो उस पर क्लिक कर लें, ये देखें, फिर आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करके फिर आप यहाँ फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सअप या ये देखें स्काइप है, मैसेंजर है, व्हाट्सअप, इवन हर चीज़ यहाँ में आपको अवेलेबल है। तो आप ऐसे बार बार इंडिविजुअली तौर पे इंस्टॉल करके अपनी MB जो है ना डेटा ज़ाया ना करें तो उसको बचाएं, और अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी आप बचा सकते हैं। और यहाँ जो ऐप चलती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, जो आप कैजुअल तौर पे जो है ना इंस्टॉल करते हैं इंडिविजुअली तौर पे, तो उनसे ये जो है ना बहुत फास्ट होती हैं। तो आई होप आप लोगों की जो वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने कोशिश बहुत की है कि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, और नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दें।